और अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां ऐसा कानून संसद में 1996 में पारित हो चुका है, लेकिन इसके नियम कायदे आज तक नहीं बन पाए हैं। नियम कायदे बनाने का जिम्मा राज्य को था, लेकिन राज्य खामोशी ओढ़ कर इसे टालता रहा। लेकिन अब इस दिशा में मंत्री टीएस सिंहदेव ने मोर्चा संभाल लिया है। टीएस सिंहदेव ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, जल जंगल जमीन के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक ली और टीएस सिंहदेव ने कहा कि इसमें ऑनलाइन सुझाव भी लिए जाएंगे। ये कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत है, परंतु पेशा कानून एक ऐसा कानून है देश में जो समाज के लिए और केवल आदिवासी इलाके के लिए बना है, दूसरे कानून से बहुत फर्क है। तो इसलिए कम से कम ये अच्छी बात है कि मंत्री जी ने समाज के लोगों को बुला के कहा कि भाई आप लोगों के सलाह लेके ही इसको, है ना, अच्छी बात है। आज इस नियम के बारे में बहुत विभिन्न पहलू पे चर्चा हुआ, ये शुरुआत है। हमें लगता है छत्तीसगढ़ को अगर समृद्ध करना होगा तो आदिवासी इलाका के पेशा नियमों के अंदर वो चीज डालना होगा जो कानून के में कुछ कमी रह गया था, उसको करने से बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने की, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने की, खुशहाल आदिवासी समुदाय बनाने की एक भयंकर मौका हमको मिलेगा। कि भाई किस तरह से इसका जो है कानून बनाया जाए, क्या क्या इसमें कामियां हैं उनकी जो ड्राफ्टिंग में, उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाए, ये सारे विषय पर जो है समाज से सुझाव मंगा है। और भी आने वाले समय में कई मीटिंग होगी, उसके बाद इसका जो है फाइनल उसका जो है प्रारूप बनेगी। ये एकदम प्रारंभिक कदम है सलाह मशवरा का, और इसको अगले चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से सभी विकास खंडों के प्रतिनिधियों से, जो 85 अनुसूचित जनपद क्षेत्र हैं, उनके प्रतिनिधियों से भी ये कंसल्टेशन लेंगे। प्रयास ये रहेगा कि क्या हम उनसे चाहते हैं इसकी जानकारी उनके पास पहले भेज दें, इस विषय में बात होनी है।